Hello everyone, this is Asya. Welcome to my YouTube channel AZ English. In this video, you shall learn English of household use items and their beautifully made pronunciation. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी घरेलू इस्तेमाल की अशिया की इंग्लिश जो आपकी रोज़मर्रा गुफ्तगू को बेहतर से बेहतरीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप घर में इस्तेमाल होने वाली अशिया की इंग्लिश सीख सकें। सबसे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस लगातार मिलती रहें। अगर आपको ये कंप्लीट लेसन पीडीएफ फाइल में चाहिए तो आप पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पिक्चर में नज़र आने वाली ये शय ओखली खर्ल कहलाती है। ओखली खर्ल को इंग्लिश में मॉर्टर कहा जाता है। मॉर्टर, मॉर्टर। आईना, आईने को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। मिरर, मिरर। अंगश्ताना, ये एक धातु कैप है जो उंगलियों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको इंग्लिश में तिम्बल कहते हैं। तिम्बल। ईंधन, ईंधन। ईंधन को इंग्लिश में फ्यूल कहा जाता है। फ्यूल। बच्चों की गाड़ी पेरम्बुलेटर, पेरम्बुलेटर, पेरम्बुलेटर। बर्तन, बर्तन को इंग्लिश में पॉट कहा जाता है। पॉट। बर्फ रखने का बॉक्स, इसको इंग्लिश में आइस बॉक्स कहते हैं। ब्रश, ब्रश को ब्रश ही कहा जाता है। बोतल, इसको इंग्लिश में बॉटल कहते हैं। इस्त्री, इस्त्री को इंग्लिश में आयरन कहते हैं। पालकी, पालकी को इंग्लिश में पेलंक्विन कहते हैं। पेलंक्विन। पैकदान या इसको अगालदान भी कहते हैं। स्पिटून, स्पिटून। फूलदान या गुलदान, गुलदान को इंग्लिश में फ्लावर वेज कहा जाता है। फ्लावर वेज। तार, तार को इंग्लिश में वायर कहते हैं। तंदूर, तंदूर को इंग्लिश में अवन कहा जाता है। अवन। ट्रे, ट्रे को इंग्लिश में ट्रे ही कहते हैं। जाला, जाले को इंग्लिश में कोब वेब कहा जाता है। कोब वेब। झाड़ू, ब्रूम, ब्रूम। चकला, चकले को इंग्लिश में पेस्ट्री बोर्ड कहते हैं। पेस्ट्री बोर्ड। चमचा या चम्मच, इसको इंग्लिश में स्पून कहा जाता है। स्पून। चादर, चादर को इंग्लिश में बेड शीट कहते हैं। बेड शीट, बेड शीट। बच्चों का झूले जैसा बिस्तर है ये, इसको इंग्लिश में कॉट कहते हैं। कॉट। चिमनी, चिमनी को इंग्लिश में चिमनी ही कहा जाता है। बरकी चूल्हा, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक स्टोव कहा जाता है। इलेक्ट्रिक स्टोव। छतरी, छतरी को इंग्लिश में अम्ब्रेला कहते हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। हुक्का, हुक्के को हुक्का ही कहा जाता है। दांत का मंजन टूथ पाउडर, टूथ पाउडर। धूपदानी या इसको अगरबत्ती जलाने वाला बॉक्स भी कहते हैं। सेंसर, सेंसर, सेंसर।
डोंगा, इसको इंग्लिश में बॉल कहते हैं, बॉल। रस्सी, रस्सी को इंग्लिश में रोप कहते हैं, रोप। तजोरी, तजोरी को इंग्लिश में सेफ कहा जाता है, सेफ। सुई, सुई को इंग्लिश में नीडल कहते हैं, नीडल। बेलन, बेलन को इंग्लिश में रोलिंग पिन कहा जाता है, रोलिंग पिन, रोलिंग पिन। प्लंग, प्लंग को इंग्लिश में बेड कहते हैं, बेड। पायदान, पायदान को इंग्लिश में डोर मैट कहा जाता है, डोर मैट। प्याला, इसको इंग्लिश में कप कहते हैं, कप, कप। तकिया, तकिए को इंग्लिश में पिलो कहा जाता है, पिलो। तराजू, तराजू को इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। ताला, इसको इंग्लिश में लॉक कहा जाता है, लॉक। थाली, थाली को इंग्लिश में प्लेट कहा जाता है, प्लेट। ये टोकरी है, टोकरी को इंग्लिश में बास्केट कहते हैं, बास्केट। चूल्हे की जाली, इसको इंग्लिश में ग्रेट कहते हैं, ग्रेट। झूला, झूले को इंग्लिश में स्विंग कहा जाता है, स्विंग। चटाई, चटाई को इंग्लिश में मैट कहते हैं। छलनी, छलनी को इंग्लिश में सीव कहा जाता है, सीव। चाबी, चाबी को इंग्लिश में की कहा जाता है, की। चिमटा, चिमटे को इंग्लिश में टोंग कहते हैं। चूल्हा, चूल्हे को इंग्लिश में स्टोव कहते हैं, स्टोव। छड़ी, छड़ी को इंग्लिश में स्टिक कहा जाता है, स्टिक। अलमारी, अलमारी को इंग्लिश में कबर्ड कहते हैं, कबर्ड। खलाल, इसको इंग्लिश में टूथपिक कहा जाता है, टूथपिक। धागा, धागे को इंग्लिश में थ्रेड कहते हैं। डिब्बा, इसको इंग्लिश में बॉक्स कहते हैं। रकाबी, रकाबी को इंग्लिश में डिश कहा जाता है। रस्सी, रस्सी को इंग्लिश में स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग। राख, इसको इंग्लिश में ऐश कहा जाता है। ये संदूक है, संदूक को इंग्लिश में बॉक्स कहा जाता है। साबुनदानी, साबुनदानी को इंग्लिश में सोप केस कहते हैं, सोप केस, सोप केस। कीफ, कीफ को इंग्लिश में फनल, फनल। कीफ को इंग्लिश में फनल कहा जाता है। कंबल, कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट कहते हैं, ब्लैंकेट। कुर्सी, कुर्सी को इंग्लिश में चेयर कहा जाता है, चेयर, चेयर। लिखने की मेज, टेबल डेस्क, टेबल डेस्क। इसको इंग्लिश में टेबल डेस्क कहते हैं। माचिस की तीली, इसको इंग्लिश में मैच स्टिक कहते हैं, मैच स्टिक। मट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल। मेज, मेज को इंग्लिश में टेबल कहा जाता है, टेबल। मोचनी चिमटी, इसको इंग्लिश में पिंसर्स कहा जाता है, पिंसर्स, पिंसर्स। साबुन, साबुन को इंग्लिश में सोप कहते हैं, सोप। सराही, इसको इंग्लिश में फ्लेगन कहा जाता है, फ्लेगन, फ्लेगन। फानूस, इसको इंग्लिश में शैंडलियर कहते हैं,
शेंडलियर। देग या देगची, इसको इंग्लिश में कॉल्ड्रन कहते हैं। कंगी, कंगी को इंग्लिश में कॉम्ब कहा जाता है। कॉम्ब, कंगी को इंग्लिश में कॉम्ब कहा जाता है। इस लफ्ज के आखिर में बी साइलेंट है। कॉम्ब, कॉम्ब। कांटा, कांटे को इंग्लिश में फॉर्क कहते हैं। फॉर्क। कपड़ों की अलमारी, कपड़ों की अलमारी को इंग्लिश में वार्डरोब कहते हैं। वार्डरोब। लैंप, लैंप को लैंप ही कहा जाता है। ये माचिस की डिबिया है, इसको इंग्लिश में मैच बॉक्स कहते हैं। मैच बॉक्स। मोमबत्ती, मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल कहते हैं। कैंडल, कैंडल। नल, इसको इंग्लिश में टैप कहा जाता है। टैप। ऑडियंस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इस वीडियो में आपने सीखा घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की इंग्लिश। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये फाइल PDF फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।